उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए युवक की सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रेमिका की एंड्रॉइड मोबाइल की मांग के चलते प्रेमी युवक ने अपने गांव के साथी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसका शव खेत में फेंक दिया था। हत्या में शामिल मोनू और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से मृतक का मोबाइल बरामद हुआ है। आगरा में हुए युवक के सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गर्लफ्रेंड की एंड्रॉइड मोबाइल की मांग के चलते प्रेमी मोनू ने अपने ही गांव के साथी जितेंद्र की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी और उसके सब को खेतों में फेंक दिया। हत्या में शामिल मोनू उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आरोपी मोनू ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने एंड्रॉइड मोबाइल चलाने की मांग की थी। मोनू के साथ जितेंद्र के पास एक एंड्रॉइड मोबाइल था। मोनू ने जितेंद्र से कई बार एंड्रॉइड मोबाइल मांगा लेकिन उसने मना कर दिया। मोनू ने बताया कि वह पहले मोबाइल उससे लेकर खुद चलाता था और उसके बाद उस मोबाइल को अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। साथी जितेंद्र की हत्या करने के बाद मोनू फरार हो गया। इसे पुलिस ने उसके साथी के साथ सुमित के साथ गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। उसने बोला था मेरे को कि तुम फोन टच का चलाया करो और हो जाए तो एक मेरे लिए भी दे देना, यानी मैं पैसे तो कमाता नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करो काम पे जाया करो। तो बार बार पैसे कहती, मैं काम पे कहीं जाता नहीं, घर से कहीं जाता ही नहीं, डोलता रहता हूँ और कुछ लड़कों से ले लेता हूँ, कुछ 10-20-50 रुपये मांग लेता हूँ, नहीं देते हैं तो मैं छीन ले जाता हूँ। तो जब कमाते नहीं हो तो फिर तुमने ये बताइए, ये बताइए हत्या उसकी कैसे की आपने? वो अब दिमाग में आ गया और हो गया, वो पहले उसको ले गए थे हम बातों में पिछला पिछला गए। तो ये जितेंद्र पे मोबाइल था? जितेंद्र पे हाँ, उसके मोबाइल था, टच का मोबाइल था उसके पास में, और हम उसको ले गए थे बाद में पिछला के ना। तो हमने पहले मांगा था मैंने, भाई पहले मेरे पैसे दे दे, पैसे तो अगर मेरे पास नहीं है तो यानी मोबाइल दे दे, ले ली 2-3 दिन बाद कि नहीं। तो इतने में मैंने उसको धक्का मार दिया, वो गिर गया, उसके सिर में चोट आ गई और गैरोस होकर पकड़ लिया, हमने मिट्टी डाल दी, मार दिया उसको गर्दन दबा के। गर्लफ्रेंड क्या बोली आपसे? गर्लफ्रेंड जी बोली कि तुम मोबाइल टच का मोबाइल चलाया करो। नहीं नहीं, ये मोबाइल जो तुम ले रहे थे जितेंद्र से, तो क्या इसको लेकर उसको देते पहले? पहला मोबाइल उसको अपने लिए ले रहे थे? वो मैं अपने लिए ले रहा था, मैं उसको अपने यूज करूं फिर उसके बाद में उसके लिए देखता दूसरा उसको दे दूं। उसी के लिए किया मैंने, आपके लिए बोला था? हाँ, ये उसी के लिए मान लो कि उसी के लिए किया। इस मोबाइल की खातिर तुम जान ले सकते हो किसी की भी। अब क्या करूं सर, काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, बेंदारी भी चल रही है। काम करता हो गया सो हो गया। आप देखिए, दिनांक 5 जनवरी 2021 को थाना सैया में एक गुमशुदगी लिखवाई गई थी, जिसमें गुमशुदगी मृतक जो है जितेंद्र की उसकी लिखवाई गई कि ये 4 बजे अपने घर से फ्रेश होने के लिए खेत में गया और 4 या 5 घंटे होने के बाद भी ये घर नहीं आया। पूरा गांव हमने तलाश किया लेकिन ये मिल नहीं रहा है। थाना सैया पुलिस ने तत्काल इसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली थाने पे। उसके बाद थाना सैया इसकी मतलब लड़के को तलाश करने के लिए जुट गई। अगले ही दिन 6 तारीख को सूचना ये मिली थाना सैया पे कि एक सरसों का खेत है, थाना सैया क्षेत्र के अंतर्गत ही, उस सरसों के खेत में एक डेड बॉडी मिली है जिसके हाथ और मुंह बंधे हैं। तत्काल थाना सैया की पुलिस फोर्स वहां पहुंची। उस बॉडी की जब शिनाख्त की गई तो शिनाख्त में मालूम चला कि जो एक दिन पहले गुमशुदगी लिखवाई गई है ये उसी मृतक, ये बॉडी उसी व्यक्ति की है, उसी लड़के की है। इसके बाद इसके उपरांत जो जिन्होंने गुमशुदगी लिखवाई थी उनसे संपर्क किया गया, उनको बताया गया और उनसे जो मोबाइल नंबर उसके थे और जो उसके दोस्त थे, जो उसके और भी जो रिलेटिव्स थे, उनके संबंध में पूरी जानकारी इकट्ठा की गई और वो CDR वो टावर डम के बेस पे थाना सैया की पुलिस ने पूरा मैटर को डेवलप किया। और डेवलप करते करते जो इनके मेन जो मुलजिम हैं जिन्होंने ये घटना कारित की, उस पर थाना सैया की पुलिस फोर्स ने उनको पकड़ा। जो मेन उसमें अभियुक्त हैं जिन्होंने ये घटना कारित की है वो है मोनू पुत्र सुखवीर निवासी इमली बस्ती थाना सैया, और दूसरा है सुमित पुत्र रूप सिंह निवासी इमली बस्ती कस्बा थाना सैया। इन दोनों को जब थाना सैया की पुलिस फोर्स ने इनको पकड़ा, इनसे पूछताछ की, तो पूछताछ में ये मालूम चला कि इसकी गर्लफ्रेंड थी मोनू की, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन की डिमांड करती थी, एंड्रॉयड फ़ोन ये दिला नहीं पाता था, बार बार उलाहना देती थी,
और इसके अलावा और जो मृतक है जितेंद्र, इसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था जिसकी कीमत तकरीबन 12 से 15 हज़ार थी, टच स्क्रीन वाला। जो इसने पूछताछ में बताया कि वो टच स्क्रीन का जो फ़ोन था एंड्रॉयड वाला, वो चाहता था कि ये अपने इससे ले के अपनी गर्लफ्रेंड को दे। इसने उससे मांगा, उसने दिया नहीं, और इसी जो वो देने से मना किया, इसी तैश में आकर इस अभियुक्त ने मोनू और सुमित दोनों ने मिलकर इसकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी। एक कारण उसने और भी बताया कि कुछ इसका 290 या 300 रुपए का कुछ बकाया था मृतक के ऊपर, जो कि वो दे नहीं रहा था। तो ये दो प्रमुख कारण उसने बताए, एक तो एंड्रॉयड फ़ोन का, दूसरा कुछ पैसे की जो उसके ऊपर बकाया था मृतक के ऊपर। फ़ोन के सर इसने लूट के फिर गर्लफ्रेंड को दे दिया था। जी, उसने फिर उससे लूटा, जिसके तहत 394 धारा उस पर बढ़ाई गई है। और जिस तरीके से उसने ये घटना की है, बहुत नृशंस तरीके से घटना की है। पहले धक्का दिया, फिर गला दबाया, गला दबाने के बाद उसके जो टी शर्ट थी, उसके टी शर्ट से ही उसका हाथ और उसका मुंह बांधा, और ये इंश्योर करने के लिए कि वो मर जाए, उसके मुंह में फिर और नाक में पूरी मिट्टी भर दी, कि ताकि इसकी जो सांस वाली जो प्रोसेस है वो बंद हो जाए। एक बार सांस लेना बंद हो जाएगा तो ये लोग इंश्योर हो गए कि हाँ अब मर गया। तो इस तरीके से इन लोगों ने घटना कारित की है, बहुत ही नृशंस तरीके से घटना कारित की है। मैं थाना संगिया पुलिस फोर्स को बधाई देता हूँ कि इतने कम समय में इतनी बड़ी घटना को अनावरण किया है, और जो कि बिल्कुल ब्लाइंड था इसमें जो अभियुक्त है, उसने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी। कोई भी ऐसा एंगल नहीं छोड़ा था कि भाई पुलिस इसमें गुमराह ना हो। उसने जो मृतक है उसके मोबाइल फ़ोन से कई लोगों को मरने से पहले फ़ोन भी किया था। तो बार बार पुलिस हमेशा उसी एंगल पे सोच रही थी कि इसको क्यों फ़ोन किया, उसको क्यों फ़ोन किया, तो पुलिस बार बार भटक रही थी। लेकिन थाना संगिया ने इन सब के बावजूद भी इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया और इतने कम समय में इस केस का अनावरण किया है।